फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैकटेक लर्निंग में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं MSI की GF63 Thin 11S लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। साथ साथ मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन भी बताते चलूँगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक गेमिंग लैपटॉप होती है। पहले हम सारे प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं कि सब है कि नहीं इसमें। इसके साथ में ये एक क्विक गाइड मिला है, यूजर मैनुअल, और साथ में ये चार्जर और इसके एक्सटेंशन केबल है। देखिए इसका क्या खतरनाक मैट लुक दिया हुआ है इसमें, ब्लैक कलर में। बहुत ही शानदार लैपटॉप है ये। जैसे आप देख रहे हैं, ये स्टार्ट होने के बाद में अपना लैंग्वेज वगैरह सेट करने के लिए, आप किस कंट्री के हैं सेट करने के लिए आपको दिखा रहा है डिस्प्ले पे। अब आप यहाँ से कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड लेआउट आपको जो भी चाहिए, आपको US वाला चाहिए, इंडिया कुछ है, तो आपने जैसे हम यहाँ इंग्लिश इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये हम अगर हमको कोई सेकेंडरी कीबोर्ड लेआउट चाहिए तो हमको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है, कर भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं करेंगे, हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अब ये इंटरनेट से कनेक्शन मांग रहा है ताकि ये इसको रजिस्टर कर सके। तो एक काम करते हैं, अभी हम कनेक्ट करते हैं। अब देख रहे हैं ये विंडोज जो है वो रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, उसको हमको करना पड़ेगा। ये इसका प्रोसेस हमको करके ओके करके करिए। आप देख रहे हैं ये आपको माइक्रोसॉफ्ट का, आपको अगर आपके पास अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको नया अकाउंट रजिस्टर करके ये सारे रजिस्ट्रेशन आपको फिलअप करने पड़ेंगे, के बाद में ही आपका विंडो स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं अब ये PC स्टार्ट हो गया है, इसका जो है विंडो खुल चुका है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग ऑफ MSI GF63 Thin 11S लैपटॉप की।
जिसमें 512 जीबी की एसएसडी डली हुई है, 8 जीबी की रैम है DDR4, 4 जीबी की ग्राफिक कार्ड है एनवीडिया GeForce GTX 1650 मैक्स टाइप की GDDR6, और इसमें इंटेल कोर i5 11 जनरेशन प्रोसेसर से ये लैपटॉप पावर्ड है। इसका जो स्क्रीन है वो फुल HD 15.6 इंचेस का है, जिसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज़। जो पावर अडाप्टर दिया हुआ है वो 120 वॉट का है। इसमें विंडोज 11 दिया हुआ है 64 बिट का। HDMI पोर्ट एक नंबर है। इसके जो स्पीकर हैं वो नीचे की तरफ दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें ये दो जो दिए हुए हैं, ये और ये, इसमें ये स्पीकर दिए हुए हैं। इसमें एक HDMI पोर्ट है, HDMI पोर्ट हम आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं पीछे की तरफ में ये दिया हुआ है, क्योंकि जनरली बहुत से लैपटॉप में साइड में रहता है, बट इसमें पीछे की तरफ ये दिया हुआ है। और इसका जो वेबकैम है वो HD वेबकैम है, जो स्क्रीन के ऊपर ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ में ये पोजिशन, ये इसका HD वेबकैम है। इसका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में ये सिंगल कलर लाइट दिया हुआ है, ये गेमिंग के हिसाब से लैपटॉप बनाया है, इसलिए ये रेड कलर में स्पेशल गेमिंग के हिसाब से इसको बनाया हुआ है, सिंगल कलर है ये। USB का जो पोर्ट दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक दिया हुआ है, ये जो उसके बगल में है ये चार्जर का पॉइंट दिया हुआ है, और राइट साइड में अगर हम देखें तो ये राइट साइड में जो है दो USB के दिए हुए हैं, एक इथरनेट पोर्ट दिया हुआ है, एक टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, और एक माइक के लिए और एक हेडफोन के लिए पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये थी फ्रेंड्स MSI GF63 थिन 11S लैपटॉप, क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है MSI की। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।